हिलसा के विधायक ने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति को लिखा पत्र। एसयू कॉलेज में पीजी की पढ़ाई शुरू करने की मांग। अनुमंडल के एकमात्र अंगीभूत इकाई एसयू कॉलेज में पीजी की पढ़ाई शुरू करने के लिए हिलसा के विधायक कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया ने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति को पत्र लिखा है। पत्र में विधायक ने कहा कि एसयू कॉलेज की स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद मगध यूनिवर्सिटी बोधगया के द्वारा 1976 में इस कॉलेज को अंगीभूत किया गया था। अनुमंडल मुख्यालय का एकमात्र अंगीभूत कॉलेज रहने के कारण यहां पर लड़कियों की संख्या 75% से ऊपर है। वर्तमान में कॉलेज में कला संकाय में भूगोल, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी, पाली तथा विज्ञान संकाय में वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित एवं जंतु विज्ञान में स्नातक प्रतिष्ठा स्तर तक की पढ़ाई की जाती है। महाविद्यालय की स्थापना के 65 वर्ष बीत जाने के बाद भी यहां पर पीजी स्तर की पढ़ाई आज तक प्रारंभ नहीं की जा सकी है। इस कारण अनुमंडल के सैकड़ों विद्यार्थी प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। संपन्न लोग पटना, बिहार शरीफ तथा गया में जाकर स्नातकोत्तर की पढ़ाई करते हैं, लेकिन मध्यम एवं गरीब वर्ग के लोगों को उच्च शिक्षा से वंचित रह जाना पड़ता है। छात्रों की इस भीषण समस्या को देखते हुए विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं अन्य प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा एसयू कॉलेज में स्नातकोत्तर पढ़ाई प्रारंभ करने के लिए कई वर्षों से मांग किया जा रहा है, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है, जिससे यहां के लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। व्यापक जनहित को देखते हुए एसयू कॉलेज में कला एवं विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई अभिलंब शुरू किया जाए। विधायक द्वारा भेजे गए इस पत्र के बाद एसयू कॉलेज में स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई प्रारंभ होने की उम्मीद बढ़ गई है। अब देखना है कि सत्तारूढ़ दल के विधायक की मांग पर विश्वविद्यालय प्रशासन किस प्रकार की कार्रवाई करती है।